आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके भारत की रक्षा के लिए जिस प्रकार की एक उस कालखंड में अपनी सेना खड़ी की थी, आज उसी का परिणाम है कि हम सब इस उत्साह इस उमंग के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बैसाखी के इस पर्व में एकत्र होकर के हर्षोल्लास के साथ न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश के अंदर इस आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं सिखों के इतिहास के बगैर भारत का मध्यकालीन इतिहास अधूरा माना जाता है। त्याग और बलिदान की जो एक लंबी परंपरा और एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है सिख गुरुओं ने, आज उसी का परिणाम है देश भी और धर्म भी सुरक्षित है। और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों में भागीदार बनना, अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करता ही है, आने वाली पीढ़ी को भी इन महापुरुषों के प्रति नमन करने का एक अवसर उपलब्ध कराने का एक अवसर हम इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से करते हैं। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपने जीवन का कुछ भाग यहां पर इस गुरुद्वारे में व्यतीत करते हुए धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है उस प्रकार की प्रेरणा दी थी। और उस समय की उन विकृतियों के जिनके कारण समाज कमजोर हो रहा था, उसको दूर करने के लिए ही खालसा पंथ उस समय के लिए हम सब के लिए एक नया मार्गदर्शक के रूप में सामने आया था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होकर के कैसे हमें देश और धर्म की रक्षा करनी है, इसकी प्रेरणा तो प्रदान करता ही है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ प्रेरणा और प्रकाश छोड़ करके गया है।